हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है एंड मैं जस्ट सो के उठी हूँ एंड मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर बाद। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि नवरात्रि का सारा सामान आ चुका है को थोड़ा क्लोज से दिखाती हूँ। ये नारियल है एंड ये माता की ही जो जिसको मैं अभी रेडी करूँगी। सो उसके बाद मैं आपको पूरी तरीके से फिनिशिंग करके दिखाती हूँ। सो देख सकते हैं आप मेरी आँखें कितनी स्वेल्ड हो रही हैं। मैं इतना सोई हूँ आज, आई डोंट नो मैं कितना सो गई। सो स्टिल एंड मिलते हैं थोड़ी देर बाद। टेक केयर, ध्यान रखिएगा। बाकी मैं आपको सारी रूटीन आज दिखाऊंगी कि मैं कैसे नवरात्रि का पहला दिन सेलिब्रेट करती हूँ। हमारी खेतरी रेडी हो चुकी है, आई विल शो यू एंड अब देखते हैं कि माता रानी कैसे दर्शन देगी। सो मैं आपको दिखाती हूँ। सो हे गाइस एंड मेरे प्यारे YouTube पीपल्स, मैं बस यही बोलूँगी आपको कि माता रानी आप सबको बहुत खुशियाँ दे, शिव जी आपको ब्लेसिंग्स दे एंड आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप कि आज आप सब बहुत अच्छा फील करें एंड आपके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा हो। सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं बात ले चुकी हूँ एंड पूजा कर चुकी हूँ एंड मैंने अपने मंदिर को भी अच्छे से डेकोरेट किया है। आई होप कि आप सबको पसंद आए। तो अब मैं आपको अपना मंदिर दिखाने वाली हूँ। सो लुक एट माय मंदिर, जस्ट मैंने अभी पूजा करा है एंड आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से डेकोरेट किया है मैंने। ये माता की जो है, जो कि कहते हैं कि अगर माता अच्छे से दर्शन देती हैं तो ये काफ़ी अच्छी आती है। सो आज फर्स्ट डे एंड जस्ट मैंने इसको वाटरिंग दी है एंड लेट्स सी क्या होता है। सो जय माता दी, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। तो मैं आप सबको यही विशेष दूंगी कि आप सबका नवरात्रि बहुत ही अच्छा जाए, माता रानी सब पे अपनी कृपा करें, शिव जी आप सबको अच्छे से ब्लेसिंग से खुश रखें, आप जो चाहते हैं वो आपको मिले एंड आपकी विश फुलफिल हो एंड जय माता दी, ओम नमो शिवाय। वैसे तो आप सबको पता है कि मैं ब्लॉगिंग वगैरह ज़्यादा करती नहीं हूँ, मुझे आदत ही नहीं है ब्लॉगिंग की, बट अब मैं नवरात्रि का, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ही पावन त्यौहार है, तो मैं अपनी फर्स्ट ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ विथ डिवाइन एंड आई होप कि आप सबको मेरी ब्लॉगिंग पसंद आए एंड सो
चलिए अब मैं जाती हूँ, क्योंकि नाउ माय मेडिटेशन टाइम, अब मुझे मेडिटेट करना है यहाँ पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, एंड मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी कि एक्चुअली मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि मैंने फास्ट नहीं रखे हैं, मम्मा ने रखे हैं फास्ट, बट जो भी है लाइक मैं लास्ट के रखने वाली हूँ, तो क्योंकि 9 days के फास्टिंग आई डोंट नो कि मैं कर पाती, तो मैंने वो चीज़ नहीं की, पर पूजा मैंने की है, एंड फिर नवरात्रि का जो भी फूड होता है वो मम्मा प्रिपेयर करेंगी, एंड वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मम्मा किस तरह से प्रिपेयर करती हैं, एंड डेज वाइज कि लाइक क्या बनेगा, जैसे फर्स्ट नवरात्रि, सेकंड नवरात्रि, थर्ड नवरात्रि, दिस काइंड ऑफ डेज मैं आपको बताऊंगी कि मम्मा क्या बनाती हैं नवरात्रि पे। सो टिल देन बाय, टेक केयर, सब ध्यान रखिए, एंड ओम नमो शिवाय। हेलो लवली पीपल्स, हाउ आर यू, कैसे हो आप सब? तो आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है, एंड इसी के साथ साथ मैंने अपना ब्लॉगिंग, लाइक ब्लॉगिंग का जो वीडियोस है वो स्टार्ट किया है। फर्स्ट नवरात्रि पे मैं अपना फर्स्ट ब्लॉग लेकर आ रही हूँ। सो आप सबका प्यार चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्लॉगिंग कर रही हूँ कि लाइक मैं वीडियोस वगैरह नहीं बनाऊँगी, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसी पे ब्लॉगिंग भी आएंगी एंड मेरी वीडियोस भी आएंगी। सो आप सबकी दुआएं चाहिए, आप सबका साथ चाहिए, आप सबका सपोर्ट चाहिए, ऐसे ही मुझे अपना प्यार दीजिए और खुश रहिए। आई होप कि आपको मेरा फर्स्ट ब्लॉग अच्छा लगेगा। जिस तरह मुझे ब्लॉगिंग आती है मैं उसी तरह ब्लॉगिंग कर रही हूँ, अब कंटिन्यू मेरी ब्लॉगिंग आती रहेगी। आप सबको पता चलेगा कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में अपने मोमेंट्स आपको शेयर करूँगी कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में क्या क्या करती हूँ, एंड मैं पब्लिक में और मैं रियल लाइफ में कैसी हूँ, आप सबको पता चलेगा। तो टिल वेट एंड कीप वॉचिंग। माई स्टफी ऑल्सो सेज बाय एंड टेक केयर। Happy Navratri to all. So, food preparing का सामान आ चुका है, I'll show you, and मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से आज नवरात्रि के first day पे food make होगा and मम्मा उसको बनाएंगी। So, I'll show you. So, this is a Navratri fast chips and this is a, you know, laddu for fasting, and this kind of I don't know what is, I think rice, and this is sabundana, and senda namak, and ये है कुट्टू का आटा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है नवरात्रि के फूड के लिए, एंड दैट्स इट। सो इवनिंग हो चुकी है, टाइम में भी 4:00 समथिंग कुछ हो रहा होगा, एंड अब मम्मा बनाने जा रही है व्रत का खाना, क्योंकि उनका फास्ट है, मेरा नहीं है क्योंकि मैं लास्ट के रखने वाली हूँ। सो बट मुझे व्रत का जो फूड है वो बहुत अच्छा लगता है, सो मैं भी खाऊंगी एंड दिखाती हूँ आपको कि मम्मा कैसे प्रिपेयर करेंगी। चलिए टेक केयर, ध्यान रखिए, थोड़ी देर में मैं फिर से वापस आती हूँ। ये व्रत की चिप्स ना मुझे इतनी पसंद है, मैं आपको बता नहीं सकती। यम्मी,
कृष्ण मंदिर में लगना है So food is preparing. So नवरात्रि का food prepare हो रहा है. ये मम्मा चटनी पीस रही हैं and एंड ये जैसे देख सकते हैं कि ये हो चुका है हमारा आटा. एंड पूड़ियों के लिए कढ़ाई गर्म हो रही है एंड हमारी सब्जी भी रेडी हो चुकी है. सो एंड आई होप आप सबको पसंद आए. सो आप सब देख सकते हैं कि किस तरह व्रत का खाना प्रिपेयर हो रहा है एंड मम्मा चटनी पीस रही हैं एंड सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी है. तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह पूड़ियाँ बन रही हैं. वेट सो अब जब ये पूरी तरीके से बन जाएगा उसके बाद मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी कि किस तरह बना है एंड जब माता रानी को भोग लगाएंगे उसके बाद आपको मैं हर चीज़ दिखाऊंगी. टिल देन बाय एंड टेक केयर. सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही यमी एंड टेस्टी लग रहा है. ये मम्मा ने सब्जी बनाई है. दिस इज़ अ चटनी एंड सम पूड़ीज एंड दिस इज़ अ यम. सो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा यमी एंड बहुत ज़्यादा टेस्टी है. अब माता रानी को भोग लगा के उसके बाद हम इसको मम्मा भोग खोलेंगे अपना. सो जैसे कि आप सब देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा यमी लग रहा है एंड अभी माता रानी को भोग लगा के मम्मा अपना व्रत ओपन करेंगी एंड सो यमी. सो नवरात्रि के डे फर्स्ट में आज हमारे घर में ये कॉलीफ्लावर की सब्जी बनी है एंड
कुट्टू के आटे की पूड़ी एंड टमाटो की चटनी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड यमी है। सो फूड इज़ रेडी। सी अब मैं ट्राई करके दिखाती हूँ आपको ये कैसा है। वैसे बहुत ही ज़्यादा यमी है, मैं बता नहीं सकती इतना टेस्टी है ये, और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। दिस इज़ गुड। आपको पता है व्रत का जो खाना होता है वो इतना सिंपल होता है, बट इतना यमी होता है। और जो डेली यूजेस में हम खाना बनाते हैं वो अलग होता है, बट इतना यमी नहीं होता। इसमें एक अलग ही टेस्ट आता है, लाइक आई डोंट नो, बट आई थिंक ऊपर से ही आता है वो टेस्ट, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और मेरी मम्मा बनाती ही बहुत टेस्टी खाने हैं। ऐसे मैंने फर्स्ट टाइम लाइक ईटिंग करते हुए मैं वीडियो बना रही हूँ, बिकॉज मुझे अपनी कुछ कुछ चीज़ें शेयर करने की आदत नहीं है, बट फिर भी मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी डेली रूटीन एंड जो भी मैं पर्सनल लाइफ में हूँ वो मैं अपनी रियल लाइफ में, आई मीन जो भी मेरी लाइक माय फैमिली इंस्टा सोशल मीडिया, जो मेरी फैमिली है उनको शो करूँगी। सो अच्छा ये भी नॉट बैड। ये ली मैंने 3 पूड़ी है, बट मैं 3 पूड़ी नहीं खाऊंगी बिकॉज इट्स टू ऑयली। वैसे 2 पूड़ी ही लूँगी एंड उसके बाद देखते हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड नवरात्रि का जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा डे 1 कंप्लीट होता है, एंड आप सब खुश रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए जैसे कि आप मुस्कुराते ही हैं, एंड टेंशन फ्री रहिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। सो बाय, टेक केयर। मैं आती रहूँगी ऐसे अपनी ब्लॉगिंग लेकर, और मुझे आप सबका काफ़ी प्यार चाहिए, जो कि आप देते ही हैं, उसकी तो कोई मतलब बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं कि आप दीजिए, क्योंकि आप पहले से ही मुझे इतना प्यार करते हैं। तो उसके लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम माई हार्ट। बाय।